नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। और दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आतंकी मोहम्मद अशरफ को 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है आतंकी मोहम्मद अशरफ को। आतंकी को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर पटियाला हाउस कोर्ट ने भेज दिया है। तो दिल्ली के लक्ष्मी नगर से इस आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान की ISI के इशारे पर यह आतंकी भारत में आतंकी साजिशें को अंजाम देने की फिराक में था। उससे पहले दिल्ली पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया, पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां इसे 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस की स्पेशल सेल ने देर रात एक पाकिस्तानी ISI आतंकी को दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके के रमेश पार्क से गिरफ्तार किया है। इसका नाम अशरफ अली है, जो कि यहाँ पर रमेश पार्क में रह रहा था। इसके पास एक पासपोर्ट भी जब्त हुआ है, जो कि तुर्कमान गेट के एड्रेस का था। इसके अलावा तमाम जाली दस्तावेज भी पुलिस ने जब्त किए हैं। साथ ही पुलिस को इसके पास से AK-47 हैंड ग्रेनेड और 60 जिंदा कारतूस मिले हैं। और ये सारा हथियार और गोला बारूद इसने कालिंदी कुंज के नदी के तलहटी में छुपाया हुआ था, जिसको पुलिस की निशानदेही पर जब्त किया। पूछताछ में तमाम बड़े चौंकाने वाले खुलासे इस अशरफ अली ने किया। इसने बताया कि ये दिल्ली का जो है आतंकी के स्लीपर सेल का हेड था, यानी कि जो भी तमाम आतंकी पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान में आते उनको ये लॉजिस्टिक्स और गोला बारूद पैसे हथियार मुहैया कराता था, वो यहां पर हेड था। इसके अलावा मौलाना के तौर पर दिल्ली में रह रहा था, झाड़फूंक करता था, किसी को शक ना, इसके भेष बदलकर मौलाना के तौर पर रह रहा था। देश के तमाम दूसरे राज्यों और इलाकों में यह रह चुका था, जहां भी रहा यह मौलाना बनकर रहा, ताकि इस पर किसी को शक ना हो। ISI ने कुछ इस तरीके से इसको ट्रेंड किया था कि अगर ये एजेंसियों की गिरफ्त में आए तो ये पुलिस को गुमराह करता रहा। और यही वजह है कि कल रात से जो अब तक पूछताछ स्पेशल सेल की टीम इससे कर रही है, लगातार गुमराह कर। साथ ही तमाम चौंकाने वाले खुलासे आतंकी अशरफ ने किए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।